हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों के जो मैसेज और कमेंट्स आते हैं कि आप जो यहाँ पर सीखते हैं वो बना नहीं पाते क्योंकि आपको मटेरियल नहीं मिल पाता है, ये प्रॉब्लम अब से आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मटेरियल की लिस्ट मिल जाएगी और रेट्स के बारे में और क्वालिटी के बारे में भी आप लोग श्योर रहिए। आपका जो लोकल मार्केट है या फिर ऑनलाइन जो मार्केट है वहाँ से आप रेट कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप अब से आप लोगों की मटेरियल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सीखिए, देखिए और बनाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह के इयररिंग्स हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले ये हैंडमेड शीट है, इनके छोटे छोटे पीसेस मैंने लिए हैं क्योंकि इयररिंग के लिए हमें छोटे पीस ही चाहिए। शीट आती है पूरी इसकी, उसके बाद ये तीन साइज के लीफ के शेप मैंने कट किए हैं। साइज जो है इनका 4 सेंटीमीटर, जो बड़ी लीफ है, छोटी जो है 3 सेंटीमीटर लगभग, और उससे छोटी जो लीफ है उसका 2 सेंटीमीटर साइज है। इन्हें जो है, जो सबसे बड़ी लीफ है उसे हमें ग्रीन कलर की जो शीट है, हैंडमेड शीट, इस तरह से, और सबसे छोटी को रेड या मरून कलर की शीट पे हमें, ये मैंने ऑलरेडी कट करके रखे हैं, ड्रॉ करके और कट कर लेना है, सिंपल है। उसके बाद फेदर्स का हमें इन्हें लुक देना है, तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह से कट लगाने हैं हमें, एकदम पास पास में कट लगाइए ताकि वो और अच्छा लुक दे, ज़्यादा खुला खुला बने। इस तरह से, जिस तरह के फेदर्स होते हैं उसी तरह का लुक देने का हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हैंडमेड शीट आपको ना मिले तो जो कलर्ड पेपर आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा जो मोटा पेपर आता है, या फिर पतली जो फोम शीट होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ग्लिटर फोम शीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, बाकी जो दो पीसेज हैं वो भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे थोड़ा आगे पीछे कर देंगे इसके जो, ताकि इसके कट्स अच्छे से दिखाई दे, एकदम पास पास में। इस तरह से हमें इन सब पीसेस को, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये जो है तीनों पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, इन्हें हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, पूरा एक दूसरे के साथ नहीं चिपकाना है, ताकि थोड़ा ये एक दूसरे से अलग दिखें, थोड़े इनके जो कट्स है वो दिखें। इस तरह से सेंटर में थोड़ा सा ग्लू लगाकर जहाँ पर कट्स नहीं हैं, उसके बाद एक नीडल लेके हमें यहाँ पर एक छोटा सा होल बनाना है इसके टॉप पर, लीफ का जो टॉप है उसके हमें छोटा सा इस तरह से होल बनाना है। और ये गोल्डन कलर की रिंग है, ज्वेलरी मेकिंग में जो रिंग हम यूज़ करते हैं उस तरह की रिंग है, इसे जो है हमें यहाँ होल में इस तरह से घुसाना है। थोड़ा सा जो है हम इसे पैक करेंगे, पूरी तरह से पैक करने से पहले ये इयररिंग का हुक है इसे हम इसके साथ अटैच कर देंगे, और उसके बाद इसे हम अच्छे से पूरी तरह से पैक कर देंगे। तो ये जो है हमने इसे इसके साथ अटैच कर दिया है, और उसके बाद सेंटर में ग्लू लगाकर ये ड्रॉप शेप का हाफ पर्ल है इसे हम इसके सेंटर में लगा देंगे, इसे ड्राई होने देंगे, और इस तरह से लीफ को जो है, इसके कट्स को हम थोड़ा खोल लेंगे। तो इस तरह से आप एक इजी सुंदर इयररिंग का पेयर बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।